Hey everyone, welcome to Sharma's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with our second last chapter. So the upcoming chapter is going to be the last chapter of our class 10th history. Then we'll move toward class 11th history, okay? And the name of the chapter is the age of industrialization. Matlab, industries, kya hoti hain? I think आप लोगों को पता होगा industries, factories, ये सारी वही basic चीज़ है. मतलब एक roof के अंदर, जिस roof के अंदर सारा प्रोडक्शन का जो भी मतलब प्रोसीजर होता है, राइट, जहाँ पे सारा प्रोसीजर का फंक्शन होता है, डैट इज इंडस्ट्रीज, राइट. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एंड सो हियर इज अ पिक्चर, ठीक है. सो पढ़ लेते हैं इस पिक्चर के बारे में. सो 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे जिनका नाम था ईटी पॉल. उन्होंने एक म्यूजिक बुक बनाई, ठीक है, और उसका उसका जो कवर था, यानी कि जो फर्स्ट कवर पेज होता है, ठीक है, उसमें वॉज दिस पिक्चर जो कि अनाउंस कर रहा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब नई सेंचुरी की शुरुआत, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एक एंजल लाइक फिगर है, ठीक है. सो ये क्या है? दिस इज मतलब ये बेसिकली दिखा रही हैं प्रोग्रेस. शी इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है. और सो जो हमारी एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, यहाँ पे आपको दिखी होगी एक एक टायर के ऊपर खड़ी है और उस टायर में विंग्स लगे हैं, ठीक है. सो ये जो टायर है ये दिखाता है, ये मतलब शो कर रहा है इसका टाइम. ये टाइम मतलब इसके लिए वो कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली फोटो और ये जो पहिया है, जो टायर है, इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा विंग्स. सो दिस इज फिंस दिखा रहा है, सिमलाइज कर रहा है फ्लाइट. और अगर हम इनके पीछे ज़रा सा देखेंगे तो हमें दिखती हैं काफ़ी सारी मशीन्स, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे रेलवे ट्रेन, कैमरा, मशीन्स, बसेज एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टफ्स, राइट. सो क्या हमारे पास रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री, ठीक है. सो ये बेसिकली दिखाना चाह रही हैं कैसी ग्लोरी है मशीन और टेक्नोलॉजी की, ठीक है. सो वैसे ये एक और फोटो है हमारे पास, फिगर टू, जो कि बनी थी है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट. सो ये बनी थी 26 जनवरी 1901 में. सो यहाँ पे देखो हमारे पास दो पिक्चर है, जिसको एक ओरिएंटल ये फोटो है, देखो द टू मैजिशियंस है फोटो का नाम, यानी कि दो जादूगर, ओके. सो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये है हमारी बहुत फेमस कैरेक्टर अलादीन. सो अलादीन को कौन नहीं जानता. सो अलादीन के पास एक मैजिक चिराग होता है जिसको रब करते हैं तो जिनी आता है, तो बोलता है जो हुक्म मेरे आका रही, मतलब जिनी बोलता है आपकी जो भी इच्छा है वो मैं करूँगा पूरी, वो मैं पूरी करूँगा. एक्टिव पैसिव आगे पीछे कर दिया आज मैंने, ठीक है. सो ये जो चिराग है इससे वो बनाता है, ये पीछे जब आपको बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग तो क्या, ये समथिंग अब महल जो है ये बनाता है, ठीक है. और जो नीचे फोटो है हमारे पास, जो दूसरे मैजिशियन जी हैं, वो हैं हमारे वर्कर, जो कि काम करके बहुत कुछ बना रहे, जैसे ब्रिज, शेप्स, बिल्डिंग्स एंड टावर्स, ठीक है, टावर्स, ठीक है. सो यहाँ पर ये जो टू मैजिशियन वाली फ़ोटो है, एक में अलादीन है जो कि ब्यूटीफुल पैलेस दिखा बना रहा है मैजिक लैंप की हेल्प से, और नीचे जो है वो एक मॉडर्न मैकेनिक है जो कि अपने मॉडल टूल की वजह से जो है ब्रिजेस, शेप्स, टावर्स और बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है. सो ये जो फोटो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ईस्ट इन द पास्ट को एंड वेस्ट इन द मॉडर्निटी. सो बेसिकली ये बोलना चाह रही है कि जो ईस्ट वाला पार्ट है हमारी वर्ल्ड का, सो आपने सुना ही होगा कि वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर. सो वेस्टर्न कल्चर इज काइंड ऑफ जो मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड है, एंड ईस्टर्न कल्चर जहाँ पे ईस्टर्न है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कल्चर दिखेगा, जैसे इंडिया ईस्ट में आता है और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड वेस्ट साइड में आता है, ठीक है. सो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ईस्ट में जो कंट्रीज आती है, जैसे ईस्ट में आता है हमारी कंट्री, देन चाइना, देन थाईलैंड, फिर पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, नेपाल, ये सारे जो भी वो कंट्रीज है ये आती है ईस्ट में, ठीक है. सो ये जो भी कंट्रीज है, अगर आप इधर देखोगे, दे आर रिच इन कल्चर, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है एंड दे हैव
डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज इन देम. बट अगर हम वेस्ट साइड में देखें, अगर हम देखें अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम्स, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कल्चर नहीं देखने को मिलता है इफ वी कंपेयर इंडिया और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स. ठीक है, सो आप इंडिया में अगर देखोगे तो इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, और वेस्टर्न साइड्स में ऐसा नहीं है. ठीक है, सो ईस्ट इज़ रिच इन कल्चर एंड वेस्ट इज़ रिच इन मॉडर्निटी. ठीक है, सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो ईस्ट है वो ज़्यादातर उस पे है, मतलब कि सुपरस्टिशंस पे और जो भी मतलब पुराने ख्यालात, सुपरस्टिशन, जादू, इन सब कुछ में ज़्यादा बिलीव करता है, और जो वेस्ट है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग में ज़्यादा बिलीव करता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये ईस्ट को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ईस्ट में पास्ट ज़्यादा है और जो वेस्ट है वो मॉडर्न है. ठीक है, सो ये थिंकिंग थी इनकी. ठीक है, जो जिन्होंने ये इनलैंड प्रिंटर्स ने जिन्होंने ये बनाई थी. ठीक है, ठीक है, सो ये जो इमेज है ये दिखाती है कैसे मॉडर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इनोवेशंस है, मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, रेलवेज एंड स्टीमशिप्स. ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है. मतलब अगर हमें जानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इट इज़ अ सिंपल स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होती है, डैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तभी जो है वो डेवलपमेंट हुई. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम अभी टैली करें कि जब डेवलपमेंट हुई तो क्या था, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, सो जो मॉडर्न एज है उसको वंडरफुल टाइम बोला गया है ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ठीक है, सो हाँ, ये इमेजेस कैसे बनती है, ये इमेजेस बनाने का जो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो जो ये वाली फोटो है कंपेरेटिवली, ये इसमें ये कंपेयर करते हैं ईस्ट और वेस्ट को, जबकि जो ऊपर वाली फोटो थी जो हमने अभी पढ़ी थी फिगर नंबर 1, और लेट मी शो यू अगेन दिस वन डॉन ऑफ द सेंचुरी. ठीक है, सो ये जो दोनों पिक्चर है इनका मेन मोटिव है फोकस करना कि अब जो है इंडस्ट्रियल नेशन बन रहा है. ठीक है, सो सेकंड चैप्टर में जो सेकंड पिक्चर है इसमें ये दिखा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना था, बाद में इंडिया में कुछ हुआ था. ठीक है, मतलब बाद में किसी भी जो ईस्टर्न कल्चर में सब कुछ आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वेस्ट. ठीक है, सो ये वेस्ट को जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं. ठीक है, सो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कैसे पहले ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्रियल बना, और फिर कैसे इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज को, और क्या क्या चेंजेस आए जब कॉलोनियल रूल आया था. ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. देखो, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई तब तक ऐसी बात तो नहीं है कि चीज़ें नहीं बनती थी या फिर लोगों को नई चीज़ों की डिमांड नहीं होती थी. ठीक है, इंडस्ट्रीज से पहले भी लोग जो है नई चीज़ों की डिमांड करते थे और लोगों को नीड होती थी. देखो, आई गिव एन एग्जाम्पल कि सपोज जब आप कभी ऐसा होता है कि आपको चीज़ों की नीड नहीं होती है, जैसे सपोज विल टेक एन एग्जाम्पल कि जब आप ही थे, ठीक है, वैन यू आर इन फर्स्ट और सेकेंड क्लास, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की इतनी नीड नहीं होती थी, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल एनी डिजिटल डिवाइस. ठीक है, कोई डिजिटल डिवाइस थी तो आपको उसकी नीड नहीं थी. ठीक है, देखो, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में अगर आपको इफ विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. सो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में आपको नीड नहीं थी इंटरनेट की. ठीक है, और आपको पता भी नहीं था. जैसे आप सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास तक आए तब आपको थोड़ा लगा कि हाँ, मैं वर्ड्स पता कर सकता हूँ, मैं कुछ कुछ सेंटेंसेस का मतलब पता कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेट. ठीक है, और जब आप आगे जाके बड़ी क्लासेस की तरफ गए, लाइक 10th और 11th, सो उस टाइम पे आपको पता चला कि इंटरनेट की जो नीड है डैट इज़ कंपलसरी. क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़, जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो तो अगर कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है या फिर कोई भी डाउट है तो आप इंटरनेट के थ्रू मतलब उसको देख सकते हो, राइट. सो उस टाइम पे जो है आपके लिए उस इंटरनेट की नीड बढ़ गई थी, राइट. ठीक है, तो उस टाइम पे आपके घर वालों ने या फिर कहीं पे भी आपके लिए एक इंटरनेट का सोर्स लगा दिया होगा, बिकॉज यू वॉज हैविंग अ राइट नीड. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो वैसे ही जब लोगों ने नई नई पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें बनाने, नई चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू करी, तब लोगों को लगा कि हाँ, हमें एक पर्टिकुलर एक जगह चाहिए जहाँ पे हम चीज़ें प्रोड्यूस कर सके. ठीक है,
सो उस टाइम पे जो है फैक्ट्रीज बनती थी, ठीक है, फैक्ट्रीज बनी, बट फैक्ट्री से पहले भी जो है वो ये मतलब जो है ट्रेड हुआ कर, ट्रेड नहीं बट चीज़ें बना करती थी, ठीक है। सो इसी टाइम को हिस्टोरियंस रेफर करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अगेन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का टाइम, ठीक है। सो प्रोटो वर्ड का यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ के पहले वाला टाइम को इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जैसे हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो हमें अगर इंडिपेंडेंस के पहले वाला टाइम अगर हमें बोलना है, सो वी कैन से प्रोटो इंडिपेंडेंस, ओके, ठीक है। सो 17th और 18th सेंचुरीज में जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे कि वो यूरोप के मार्केट से हटकर कंट्री साइड की तरफ उन्होंने जाना शुरू करा, ठीक है। सपोज दिस वाज द टाउन और द मेन मार्केट और दिस वाज द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होते हैं, कंट्री साइड आर विलेजेस, हमने आपको पहले भी सवाल बताया है, ठीक है। सो उस टाइम पे जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ से हटकर इस तरफ आना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो क्या करते थे, वो जो भी पीजेंट्स और आर्टिसंस होते थे उनको मनी सप्लाई करते थे, ठीक है, डेट वी आर गिविंग यू मनी और आप ये पर्टिकुलर चीज़ बनाओ, ठीक है। जैसे जब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी तो लोगों ने बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, मतलब मर्चेंट्स ने विलेजेस के लोगों को बोला कि तुम लोग ये मतलब हमारे लिए ये चीज़ बनाओ, ठीक है। जब उस टाइम पे गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो मर्चेंट्स है वो सिर्फ टाउन के अंडर, मतलब टाउन के अंडर अंडर चीज़ों को इतना नहीं एक्सपेंड कर पा रहे थे, ठीक है। और इसका ये भी रीज़न था कि वहाँ पे बहुत ही अर्बन क्राफ्ट था और बहुत ही ट्रेड गिल्ड्स थे, मतलब सो यहाँ पे जो गिल्ड्स वर्ड है वो बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो जो किसी भी नए मर्चेंट को अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए वहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया करते थे, ठीक है। सो लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे कंट्री साइड की तरफ, ठीक है। सो हाँ, गिल्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ये गिल्ड्स जो थे ना, ये मोनोपोली राइट जो है वो इनके ऊपर थोपना शुरू कर देते थे, ठीक है। सो इन लोगों ने बोला कि हम कंट्री साइड जाएंगे, कोई बात नहीं। सो कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे और जो आर्टिसंस थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। देखो उस टाइम पे लोगों को पैसों की नीड्स थी, और जब मर्चेंट्स ने बोला कि हम हमारे लिए काम करो बदले में हम आपको पैसे देंगे, सो जो भी पुअर पीजेंट्स और जो आर्टिसंस थे उन्होंने दोबारा नहीं सोचा, उन्होंने बोला ओके ठीक है। सो उस टाइम पे जो वो काम करते थे, जो मतलब उनका जो खेती का काम होता था उसके उससे ना उनको इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिलता था बेच बेच के, सो उनको थोड़ा सा और चाहिए था। और उसी टाइम पे जो मर्चेंट्स थे उन्होंने बोला ठीक है, सो तो मर्चेंट्स ने जो है वो अग्री कर दिया, ठीक है। सो मर्चेंट्स को क्या था, मर्चेंट्स अपने घर पे कंट्री साइड पे रह के मतलब स्मॉल स्मॉल जो वर्कर्स होते थे वो अपनी ही कंट्री अपने घर पे रह के काम करते थे, अपने प्लॉट अपने जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे कल्टीवेशन भी कर लेते थे, ठीक है। और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था इनसे इनको थोड़ी इनकम भी आ जाती थी, जो कि मतलब विच वॉज मतलब प्लस पॉइंट हो जाता था उनके लिए, ठीक है। और वो अपने मतलब अपनी फैमिली की जो लेबर रिसोर्स थे उनका भी यूज़ करते थे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर टाउन और कंट्री साइड का जो है एक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो गया, क्यों, बिकॉज जो मर्चेंट्स थे वो जो काम कंट्री साइड पे होता था, ठीक है, वो काम जो होता था वो टाउन पे ही बेस्ड था। देखिए देखो जो मर्चेंट थे वो वूल को पहले मतलब वो करते थे, वूल से फाइबर बनवाते थे, ठीक है, फिर मतलब उसको उसका यार्न बनवा के बाद में उसका क्लोथ बना के उसका कलर वगैरह करवा के इतना सब कुछ उनको करना पड़ता था, ठीक है। इतना लंबा अभी भी था कि वो वहाँ से आपको वो बना के दे देते थे, ठीक है। जैसे सपोज ये एक मर्चेंट है, ठीक है, सो इन मर्चेंट का नाम हम लिखते हैं मिस्टर मर्चेंट, ठीक है। सो मिस्टर मर्चेंट जाते हैं पहले उनके पास कॉटन कॉटन कल्टिवेटर के पास, तो वो उनसे लेते हैं कॉटन। सो कॉटन कैसा होता है, कॉटन देखा आपने, कॉटन ऐसा पौधा जैसा होता है, फ्लावर जैसा होता है, ठीक है, कॉटन। सो उससे ये मिस्टर मर्चेंट जब इनसे कॉटन लेंगे तो इसके बाद जाए वो जाएंगे किसी और के पास ताकि वो उसका धागा बनवा सके, ठीक है। जब वो उनसे धागा बन जाएगा फिर वो जाएंगे उसका क्लोथ बनवाने,
जब वो क्लोथ बन जाएगा फिर वो जाके उसको डाई करवाने ले जाएंगे, फिर वो जब वो डाई होगा फिर जाके वो उसको स्टिच करवाएंगे, जब वो स्टिच होगा फिर जाके उसका कहीं जाके शर्ट बनेगा और वो मार्केट में जाके बिकेगा। सो इतने लंबे प्रोसेस के लिए जो मिस्टर मर्चेंट है, मिस्टर मर्चेंट को अलग 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 जगह अलग 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 लोगों के पास जो है वो जाना पड़ता था, ठीक है। सो उस टाइम पे ये जो पूरा साइकिल था ये फिनिश होता था लंदन में जाके, ठीक है। सो जो मर्चेंट जो एक्सपोर्ट करते थे इन, जैसे मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया, सो ये जो शर्ट जो मर्चेंट मिस्टर मर्चेंट एक्सपोर्ट करेंगे वो करेंगे लंदन में जाके, ठीक है। सो उस टाइम पे लंदन जो है फिनिशिंग सेंटर बन चुका था इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। सो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक कमर्शियल एक्सचेंज का भी एक पार्ट बन चुका था, ठीक है। सो प्रोडक्शन का जो स्टेट होता था हर एक स्टेज में, जैसे मैंने आपको पूरा स्टेज बताया, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग तरीके से होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको एक शर्ट का बताया था। सो हर एक स्टेज पे 20 से 25 एम्प्लॉयज हमें चाहिए होते थे, ठीक है। सो 20 से 25 हर एक मर्चेंट को अलग चाहिए था। तो इसका मतलब है कि क्लोदिंग के लिए मतलब बहुत सारे हमें लोग चाहिए होते थे, ठीक है, उस टाइम पे। सो अब फैक्ट्रीज कैसे आई, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि लोग कंट्री साइड में जाके यानी कि विलेजेस में जाके जो है वो अपना काम किया, ये काम करवाया करते थे और उगाया करते थे, ठीक है। सो अब विलेजेस से फैक्ट्रीज कैसे सेटअप हुई, ठीक है। सो देखो जो सबसे अर्लीस्ट फैक्ट्री यानी कि जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई थी इंग्लैंड में 1930s के टाइम पे, ठीक है। ये इट वॉज द ओनली लेट 18th century, ठीक है, डैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई। देखो सो ये जो न्यू एरा था, मतलब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का न्यू एरा था, इसका जो फर्स्ट सिंबल बना वो बना कॉटन। कॉटन इसका फर्स्ट सिंबल इसीलिए बना बिकॉज उस टाइम पे जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज थी वो कॉटन मिल्स ही सेटअप की गई थी, कॉटन की ही इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है। 1760 में ब्रिटिश जो ब्रिटेन था वो 2.5 मिलियन पाउंड रो कॉटन इम्पोर्ट करता था अपनी कॉटन इंडस्ट्री में, ठीक है। और 1787 में ये जो इम्पोर्ट है ये 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो चेंजेस होते थे ना प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो मतलब इंटरकनेक्ट हो गया था आपस में, ठीक है। सो देखो अब इन्हीं के बारे में हम कुछ ब्रीफली पढ़ने वाले प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सो 18th century में जब हमारी फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तब नए नए तरह की जो इन्वेंशन है वो भी सेटअप हो रहे थे, जिसकी वजह से आउटपुट पर वर्क कर बढ़ रहा था। इट एनहांस द आउटपुट पर वर्कर। आउटपुट पर वर्कर का मतलब है कि आउटपुट वर्कर मतलब एक वर्कर कितना आउटपुट दे रहा है वो इंक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। और ज़्यादा जो है उस टाइम पे मतलब एक हार्ड एक स्ट्रॉन्गर यार्न बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्गर थ्रेड बनाने के लिए जो है वो जो मुश्किलें आ रही थी वो हट गई, ठीक है। उस टाइम पे एंट्री होती है रिचर्ड ऑकराइट की, जो कि एक कॉटन मिल क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इस टाइम तक जो क्लोथ था वो मतलब कंट्री साइड में ही बन करके आता था, ठीक है, अपने विलेज हाउस होल्ड में बन करके आता था। बट नाउ अब जो नई मशीन्स है कॉस्टली नई मशीन्स वो परचेज की गई, सेटअप किए गए और मिल्स जो है वो मेंटेन कर दी गई, ठीक है। सो जब मिल्स बनी तो पूरा जो प्रोसेस था यानी कि कॉटन से धागा बनाना, धागे से कपड़े बनाना, कपड़े से उसको डाई करना, फिर उसको स्टिच करना, फिर शर्ट करना, वो सब कुछ जो है एक ही रूफ के अंदर होने लग गया था, ठीक है, एक ही रूफ के अंदर होने लग गया था। इधर से आप कॉटन डालोगे, इधर से जाके पास शर्ट एक रेडीमेड शर्ट निकल करके आएगी चमकती हुई शर्ट, ठीक है। सो ये सब कुछ एक ही बारी में एक ही रूफ के अंदर जो है सारी चीज़ें होने लग गई थी, और जिसकी वजह से लेबर की जो नीड है वो कम होगी बिकॉज मशीन्स आ गई थी, ठीक है। सो कंट्री साइड का जो प्रोडक्शन है वो अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। अर्ली 19th century में जो फैक्ट्रीज है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहुत ही मतलब रैपिड तरीके से बड़ी और इंग्लिश लैंडस्केप का बहुत ही मतलब एक इंटीमेट पार्ट बन गई थी, ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल चेंजेस के ना कुछ पेस थे, ठीक है।
देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है, वो इतनी जल्दी कैसे ग्रो करा, ठीक है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री का ही ग्रोथ है या कुछ और भी है? वो सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो, पहला रीज़न कि ज़्यादातर जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन की, वो कॉटन और मेटल्स की ही थी, ठीक है? और कॉटन और मेटल ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए, ठीक है? देखो, कॉटन एक लीडिंग सेक्टर बन चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आपने अभी देखा पूरा कॉटन के ऊपर ही पड़ा। बट आफ्टर 1840s आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने भी जो है पकड़ जमा ली, और वो भी जो है फैलने लग गई, ठीक है? रेलवे का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, इंग्लैंड में 1840s से, ठीक है? उसके बाद जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, यानी जहाँ पे इंग्लैंड राज कर रहा था, वहाँ पर 1860s के बाद उधर भी रेलवेज बननी शुरू हो गई, ठीक है? आयरन और स्टील की जो डिमांड है वो बहुत ही हाई वैल्यू से इंक्रीज हुई, ठीक है? ब्रिटेन जो है वो मतलब 77 मिलियन तक का जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था मेटल पे, जो कि कॉटन के एक्सपोर्ट का डबल था, ठीक है? सेकेंड, जो नई इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही मतलब इतनी इजीली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर सकती थी, ठीक है? मतलब 19वीं सेंचुरी के एंड में भी जो लैंड मतलब 20% से कम टोटल वर्कफोर्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, बाकी तो अभी भी अपने हाथ के काम ही करती थी, ठीक है? थर्ड, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो मतलब स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज नहीं थी, बट वो वैसी ही रही जैसी वो होती थी, ठीक है? और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे ना, ये बहुत ही धीरे धीरे से हो रहे थे, कछुए की स्पीड से, ठीक है? ये मतलब डायनामिकली नहीं फैले कि अचानक से बूम और सब कुछ हो गया, नहीं, बहुत आराम आराम से ये सब कुछ हो रहा था। और जो नई टेक्नोलॉजी थी ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, और जो मर्चेंट्स थे वो मतलब कॉशियस थे कि नई मशीन को यूज़ करना कहीं टूट ना जाए, कुछ ना हो जाए, और रिपेयर काफ़ी कॉस्टली होता था, ठीक है? सो ये सारी रीजंस थे। अब हम पढ़ते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर की तरफ। देखो, जब विक्टोरियन ब्रिटेन था, सो विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब जब विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया का राज हुआ करता था, जब विक्टोरिया क्वीन हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम पे ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। दुनिया भर के ह्यूमन लेबर थे, पुअर पीजेंट्स थे, फिर बहुत ऐसे लोग थे जो सिटीज़ में आ गए थे, ठीक है? वो सिर्फ जॉब की ही तलाश में आए थे, उनका और कोई काम नहीं था, उनको सिर्फ जॉब्स चाहिए थी, ठीक है? देखो, जब भी ऐसी चीज़ होती है कि हमारे पास हाई लेबर है, हमारे पास लेबर की कोई कमी नहीं है, तो ऑफकोर्स जो वेजेस है वो लो होंगे, कंपटीशन ये होगा, जो मर्चेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि ठीक है कि आप लोग इतना बोल रहे हो, हम सबसे लोएस्ट वाला जो सबसे कम बोलेगा हम उसको देंगे। हाई कंपटीशन, तो उनका जो पेमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर हाई वेज कॉस्ट है, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है? उनको और कहीं कहीं पे ना लोग नई मशीनरीज इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज इतना ह्यूमन लेबर है हमारे पास, है ना? हम क्यों उसको मतलब वेस्ट करें, इससे फालतू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें? और ऐसा भी नहीं था कि जो इंडस्ट्रीज है और जो डिमांड है लेबर की वो थ्रू आउट द ईयर्स ही होगी, ये सब कुछ सीजनल था, ठीक है? मतलब 6 महीने फैक्ट्रीज चलती थी, 6 महीने बंद रहती थी, ऐसा सिस्टम होता था। जैसे जो गैस वर्क्स है और जो भी ब्रेवरीज हैं, वो कोल्ड मंथ के टाइम पे ज़्यादा चलती थी, और समर्स के टाइम पे बेसिकली बंद ही रहती थी। उसके अलावा जो बुक बाइंडर है, प्रिंटर है, ये सब कुछ भी मतलब इनके लिए मतलब एक्स्ट्रा हैंड जो है दिसंबर से पहले ही चाहिए था, उससे मतलब पहले। मतलब ये सब कुछ सीजनल था, इतना कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे। मिड 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन में उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए ना मशीन्स का तो यूज़ ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि लोग अपने हाथों से ही कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में 500 वेराइटी के हैमर हुआ करते थे, मतलब कुल्हाड़े हुआ कुल्हाड़ी नहीं हथौड़े हुआ करते थे, ठीक है? और 45 तरीके की कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी। तो अब देखो, 500 वेराइटी की हम हैमर बनाते, तो अब हम 500 मशीनें थोड़ी ना खड़ी करेंगे, वो तो लोग ही बनाएंगे अपने हाथ से, राइट? उसके लिए ह्यूमन स्किल्स चाहिए, ह्यूमन के पास स्किल होनी चाहिए, मशीन को नहीं आएगा ये सब कुछ, ठीक है? विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास थी, ठीक
ठीक है, और जो अरिस्टोक्रेट्स थे और जो भी बॉर्गुइज थे वो प्रिफर करती थी चीज़ें जो हाथ से बनती थी, ठीक है, उनके लिए जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी ना वो रिफाइनमेंट और क्लास को सिंबलाइज किया करता था, ठीक है। सो उस टाइम पे जब मशीन मेड गुड्स थे वो मतलब एक्सपोर्ट कलोनीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाते थे, ठीक है। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, अब वर्कर्स की लाइफ ना बहुत ही मतलब बुरी स्थिति से यहाँ पे वर्कर्स गुजर रहे थे, बिकॉज देखो वर्कर्स क्यों आए थे कंट्री साइड छोड़ के सिटीज, जॉब्स की तलाश में। और अभी हमने पढ़ा कि दुनिया भर की हमारे पास ये थे वर्कर्स थे, ठीक है। सो उस टाइम पे इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे, इतने वो भी थे, मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपके पास कोई रिलेटिव या फ्रेंड है जो फैक्ट्री में काम करता था तो आपको जॉब मिल जाती थी, ठीक है। बट जो जिनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं था वो मतलब पूरी पूरी रात अपनी ब्रिजेस में सो के गुजारते थे। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे आप देखो कि लाइन में क्या कर रहे हैं ये लोग, सीरियसली लाइन में सो रहे हैं सारे, बिकॉज ये हाउसलेस है, इनके पास घर नहीं है, साथ में ये हंगरी है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये एक पेंटिंग है, ये बनाई थी सैमुअल ल्यूक फिल्स ने 1874 में, ठीक है। सब नई कुछ जो थे वो नाइट रिफ्यूजेस में रुकते थे, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते थे, ठीक है, कुछ ऐसी मतलब लो अथॉरिटी, मतलब इनका कुछ था नहीं है, बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो सोच रहे थे कोई बात नहीं, कोई और जॉब भी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, बट मतलब मिड 19th सेंचुरी तक जॉब्स ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए। देखो जो एवरेज फिगर थी जो कि इन वेरिएशंस के पीछे छुपी थी बिटवीन ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, जैसे चीज़ों का प्राइस बढ़ गया बहुत ही शार्पली जब नेपोलियनिक वॉर हुई, बिकॉज वॉर के बाद कोई भी चीज़ होती है तो उसका ना प्राइस बढ़ जाता है चीज़ों का, बिकॉज लोन लेती है कंपनीज और मतलब कंट्रीज, और उनका जो है मतलब वेजेस भी कम हो जाती है और मतलब लॉस होता है ना, तो महंगाई बढ़ जाती है और ये सब कुछ जो है वो मतलब होता है, ठीक है। और उस टाइम पे देखो जब नेपोलियनिक वॉर हुई तब लोगों के दिलों में अनएम्प्लॉयमेंट का डर और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मतलब नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो रही थी, जैसे स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस किया गया। सो यहाँ पे फोटो नहीं है, सॉरी। देखो स्पिनिंग जेनी जब इंट्रोड्यूस हुई तो वुलन इंडस्ट्री वुमेन्स को बिल्कुल नहीं पसंद आई, क्योंकि वुमेन जो है वो अपने हाथों से स्पिनिंग किया करती थी उस टाइम पे, ठीक है। सो वुमेन्स को अब डर लगने लग गया कि उनकी जॉब्स छिन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू मशीन, ठीक है। सो वुमेन्स ने भी कन्फ्लिक्ट वगैरह उस टाइम पे हो गए थे, ठीक है। 1840s के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई, ज़्यादा वो हुई और लोगों के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, ठीक है। रोड्स जो है वो चौड़े कर दिए गए, रेलवे स्टेशन आ गए, रेलवे लाइन और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए गए उस टाइम पे, मतलब गड्ढे खोदने हैं, ड्रेनेज बनानी है, रिवर एम्बॉकिंग करना है, इन सब के लिए भी है ना वर्कर तो चाहिए थे, ठीक है। काफ़ी वर्कर्स थे जो ट्रांसपोर्ट मतलब इंडस्ट्री में थे, उनको डबल कर दिया गया और 30 साल में वो उससे भी ज़्यादा डबल हो गए थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है थोड़ी स्थिति अच्छी हो गई थी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, सो अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रिटेन में कैसे कैसे कॉलोनी मतलब ब्रिटेन में कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब ब्रिटेन के अंदर जो कॉलोनीज थी, मतलब ब्रिटेन जिस भी कंट्रीज के ऊपर राज किया करता था उस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसी और कंट्री नहीं जबकि अपनी कंट्री इंडिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी उस टाइम पे जो है वो कॉलोनी थी, राइट। सो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, सो हम आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में फाइनेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे जब तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज नहीं किया। उस टाइम पे ऐसे कपड़े बनाए जाते थे जो कि थ्रू आउट द इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन कर रहा था, ठीक है। सो हाँ, जब तक मशीन इंडस्ट्री नहीं आई तो सिल्क और जो कॉटन के गुड्स थे इंडिया के वो मतलब पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो है वो डोमिनेटेड था, ठीक है। सो देखो इतने फाइनर वेराइटी कपड़े आया करते थे अमेरिका में, सॉरी इंडिया से आया करते थे, ठीक है। जैसे अर्मेनिया, पर्शियन मर्चेंट्स, ये सारे पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पेशिया, सेंट्रल पेशिया, ये सारा हमें से जो है अपना वो लेके जाया करते थे, ठीक है। हमारे पास एक वाइब्रेंट स्ट्रीट रूट था जो कि ऑपरेट कर दिया गया प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में, ठीक है, जैसे गुजरात, सूरत में गुजरात, ठीक है, और
फेमस सोलीपतनम और हुगली, ठीक है। सो वेराइटी ऑफ मतलब काफ़ी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ठीक है, वो मतलब इस एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में इन्वॉल्व हुए। सो इसमें ये क्या करके क्या करते थे कि ये बनवाते थे, फिर ये पोर्ट्स में ले जाके छोड़ देते थे, फिर ये फिर से बनवाते थे, पोर्ट में ले जाके छोड़ देते थे। तो ये इनका सर्कल था कि ये बेचते थे और बनवाते थे, बेचते थे बनवाते थे, ठीक है, और पूरा फिर जब पोर्ट्स में पहुँचा देते थे, ठीक है, ये इनका काम होता था। सो 1715 में ये नेटवर्क जो था ये इंडियन मर्चेंट्स पे कंट्रोल किया जाता था, ये तोड़ दिया गया, ठीक है, जब यूरोपियन कंपनीज ने पावर गेन कर ली। तो जो वो था, तो जो भी लोकल कोर्ट्स थे उनसे उन्होंने वैरायटी ऑफ कंसेशन लेना शुरू कर दिया और मोनोपोली राइट थोपना शुरू कर दिए ट्रेड के ऊपर कि ये सिर्फ हम करेंगे, वो सिर्फ हम करेंगे, वो भी सिर्फ हम ही करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से सूरत और हुगली का जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट्स जो पोर्ट से जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो बहुत ही हाई तरीके से गिर गया, और जो क्रेडिट थी, ठीक है, क्रेडिट जो कि फाइनेंस करा हुआ था वो भी मतलब बंद हो गया, लोकल बैंकर्स को बैंक करप्ट हो गए वो धीरे 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 धीरे, ठीक है। जब सूरत और हुगली डिके हो गई, बिल्कुल ही तरीके से टूट गई, तब बॉम्बे और कोलकाता को उन्होंने पोर्ट्स बना दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब नए पोर्ट से जो ट्रेड हुआ करता था वो यूरोपियन कंपनीज ही कंट्रोल किया करती थी और यूरोपियन शिप्स ही उनको कैरी किया करते थे, ठीक है। वीवर्स के साथ क्या हुआ उस टाइम पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेट हो गई 1760s के बाद, ठीक है, 1670s में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर आ गई थी, तो मतलब उन्होंने इनिशियली नहीं डिक्लाइन करवाया, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिशर्स खुद चाह रहे थे कि जो फाइन टेक्सटाइल्स है वो यूरोप की डिमांड को पूरी करे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1760s और 1770s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने को ये पता चला कि अभी गुड्स का सप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंच डच और पोर्टुगीज़ भी हैं जो कि लोकल ट्रेडर्स से मार्केट में जो वो कंपटीशन कर रहे हैं, वो भी जो है वो वुमेन क्लोथ्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो वीवर्स थे और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो बारगेन किया करते थे और अपना प्रोड्यूसर अपना जो अपना वो है अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेस्ट बायर को बेच दिया करते थे, ठीक है। उनके लेटर्स में लंदन कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो ज़्यादातर कंप्लेन करते थे कि सप्लाई में डिफ़िकल्टी है और प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। हाउएवर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उन्होंने उनको पॉलिटिकल पावर मिल गई फिर से, और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया मैनेजमेंट का, और उन्होंने जो भी कंपटीशन है उसको एलिमिनेट कर दिया, अपने कॉस्ट्स को कंट्रोल करा, और जो उनके रेगुलर सप्लाईज है उनको उन्होंने इंश्योर करा ताकि गुड्स और कॉटन और सिल्क का जो सप्लाई है वो रुके ना, ठीक है। इस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे ना ये करने के ना इन्होंने कुछ वेज कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले जो पहला स्टेप था, इन्होंने एक सर्वेंट बनाया जिसका नाम था गोमस्था, उनको गोमस्था बोलते थे। उनका बेसिकली काम ये था कि सुपरवाइज करे व्यूवर्स को, सप्लाईज को कलेक्ट करे और क्वालिटी की कपड़े की जो क्वालिटी है उसको एग्जामिन करे। फिर सेकेंडली जो भी लोन्स होते थे और जो भी क्लोथ होते थे वो गोमस्था को मतलब दे दिया करते थे कि ये उनको जाके देना, ठीक है, और उसके अलावा गोमस्ता को ही देना होता था जो भी पीजेंट से, वो किसी और ट्रेडर को ये चीज़ें नहीं दे सकते थे, ठीक है। उस टाइम पे जो फाइन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको लोन लेना पड़ रहा था ये बनाने के लिए। तो जो वीवर्स थे जो छोटी छोटी लैंड में मतलब बनाया करते थे, तो उनको वीविंग के साथ साथ अपनी उसका भी तो ध्यान रखना था ना, फैमिली नीड का, तो वो लोन ले लिया करते थे। अब जब वो लोन लेते थे तो उनके पास एक कंडीशन आ जाती थी कि जो भी तुम बनाओगे वो तुम्हें ब्रिटिश जो गोमस्थास हैं और जो ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर्स को ही बेचना पड़ेगा बेसिकली, ये उनके पास आ जाता था, ठीक है। अब क्लैशेज होने लगे वीवर्स और गोमस्थास के बीच में, बिकॉज जो इनके पहले जो लोग होते थे जो इनको सामान मतलब जो पहले के मर्चेंट्स होते थे जो इनको सामान प्रोवाइड करते थे जगह से जगह तक, वो बहुत ही मतलब लोकल विलेजेस की हुआ करते थे, जो अर्ली मर्चेंट्स होते थे तो वो ना बहुत ही अच्छे होते थे, मतलब अच्छे तरीके से उनसे वो करते थे मतलब ट्रीट करते थे। बट एक गोमस्थास जब आए तो इन्होंने तो अपना वो मतलब अपने ठाट दिखाना शुरू कर दिया, अच्छे से ये लोग ट्रीट नहीं करते थे, एरोगेंटली इनको ट्रीट करते थे, और
मतलब सिपाहियों के साथ जो है वो मार्च किया करते थे, तो जिसकी वजह से जो है लड़ाइयाँ भी हो गई। ठीक है, और वीवर्स अपना बार्गेन नहीं कर सकते थे पहले, जैसे वो बार्गेन करते थे, जैसे मैंने आपको बताया भी कुछ बहुत सारे मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, और डिफरेंट बायर्स को बेच दिया करते थे। सो अब उनको जो प्राइस मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता। ठीक है, सो ओवर टाइम काफ़ी वीवर्स थे जिन्होंने अब लोन लेना रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने ये बनानी भी बंद कर दी, और वो अपने जो है एग्रीकल्चरल लेबर की तरफ चले गए कि हमें करना ही नहीं है तुम्हारा ये काम। ठीक है, फिर आते हैं मैनचेस्टर्स इंडिया में। सो मैनचेस्टर्स यहाँ पे मतलब है जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है। सो बेसिकली जब ज़्यादातर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी वो मैनचेस्टर में ही हुआ करती थी। ठीक है, सो इससे पहले 1772 में हेनरी पातुलो, एक कंपनी ऑफिशियल, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड जो है वो कभी भी कम नहीं होगी, बिकॉज अगर ये जो प्रोडक्ट है ये सेम क्वालिटी का रहेगा और कोई भी और नेशन जो है इसको ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बट उनकी काली जवान, जैसे उन्होंने ये सब कुछ बोला 1811 मतलब 1811 और 12 में, जो गुड्स जो 33% जाया करता था वो 3% ही एक्सपोर्ट होता था 1850-51 में। ठीक है, जो जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में ज़्यादा डेवलप हो गई। सो इंडस्ट्रीज जो थी वो अब उनको ना टेंशन ना हो रही थी कि और कंट्रीज़ में भी तो इम्पोर्ट करना है। ठीक है, जब इतना सब कुछ होने लग गया तो और कंट्रीज़ में भी इम्प्रूव करना। सो मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन का मतलब बेच सकते थे चीज़ें आउटसाइड किसी कॉम्पिटिशन के बिना। जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया के, उन्होंने दो प्रॉब्लम्स फेस करी सेम टाइम में। पहला कि जो मतलब एक्सपोर्ट मार्केट है वो कोलैप्स हो गया। सेकंड, जो लोकल मार्केट है, जो मतलब आज देखो एक तो एक्सपोर्ट मार्केट होता है ना, एक लोकल मार्केट होता है, कोई भी चीज़ है आपकी तो या तो आप उसको लोकली बेचोगे या तो एक्सपोर्ट भी करोगे बड़े लेवल पे। तो जो एक्सपोर्ट था वो तो बंद हो गया और जो लोकल मार्केट था वो बहुत ही कम अमाउंट में रह गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैनचेस्टर के मतलब मैनचेस्टर के उसके वजह से। ठीक है, सो अब लोगों के पास जो है वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं आ रही थी गुड क्वालिटी रो कॉटन की। ठीक है, जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तब जो कॉटन सप्लाई आती थी यूएस से वो भी कट ऑफ कर दी गई, और ब्रिटेन जो है वो फिर से इंडिया की तरफ देखने लग गया कि अब चलो करो फिर से लग जाओ काम पे। सो जो रो कॉटन था वो एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से, और जो रो कॉटन का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ गया। ठीक है, जो वीवर्स थे इंडिया के, अब उनको सप्लाईज नहीं आती थी, सप्लाईज की मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ गई, रो कॉटन लोग खरीदना पड़ रहा था उनको, बट उसके जो प्राइजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड तक जो वीवर्स थे, जो अदर क्राफ्टमैन थे, उन्होंने और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करी, और जो फैक्ट्रीज थी इंडिया की वो मतलब अब मशीन गुड्स आ गई, सो काफ़ी सारी जो सिचुएशन है वो पूरी होगी। अब फैक्ट्रीज केम, अब फैक्ट्रीज कैसे आई, देखो जो पहली कॉटन मिल, देखो जब ब्रिटिशर्स का इतना डोमेन था ऑलरेडी, फिर भी इतना जो ये कुछ करने नहीं दे रहे थे हमें, फिर भी इनके अंडर हमने इतने सारे ब्रिटिश ने इंडस्ट्रीज बनाई, वो कैसे बनाई, किसने बनाई, और उनके पास कैपिटल कैसे आई, ये सब कुछ अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखो जो पहली कॉटन मिल बनी वो बनी बॉम्बे में 1854 में, उसके बाद 1862 में 4 मिल्स और बनी। ठीक है, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स और 2,150 लूम्स थे। ठीक है, फिर सेम टाइम में बंगाल में भी एक जूट की मिल बनी, और जो कि 1855 में, फिर 7 साल के बाद 1862 में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल बनी, और कानपुर में वो स्टार्टेड 1860s। ठीक है, 1874 में स्पिनिंग और वीविंग मिल भी बने मद्रास में, जिससे प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, सो द अर्ली एंटरप्रेन्योर, सो जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हीं की कृपा से तो ये बनी बिल्डिंग्स, मतलब फैक्ट्रीज हम लोग कैसे बना सकते थे। देखो जो ब्रिटिश थे इंडिया में, वो ना ओपियम को एक्सपोर्ट करते थे चाइना में, और टी को भी। ठीक है, टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, मतलब वो क्या करते थे, चाइना के लोगों को ना ओपियम बहुत पसंद था, ओपियम एक तरह का नशा होता है। ठीक है, सो ओपियम चाइना में बेचते थे और चाइना से जो बदले में चाय ले आया करते थे। ठीक है, और जो इंडियंस थे ना वो उसमें जूनियर प्लेयर बन गए कि, और काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया इसी सेम चीज़ में, इसी ट्रेड में उन्होंने, मतलब ब्रिटिशर्स के पीछे 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 वो गए और उन्होंने ये सब कुछ किया और पैसे कमा लिए।
जब उनके पास ये मतलब फाइनेंस आया, वो सप्लाईज वगैरह बनाते थे, ठीक है। सो यही जो इन्होंने इस अर्न से, इस ट्रेड से इन्होंने अर्न किया, यही इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने में लगा दिया, ठीक है। इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के साथ ही लग के ब्रिटिशर्स का ही, ठीक है। सब बंगाल में उनमें से एक थे द्वारकनाथ टैगोर, जिन्होंने अपना फॉर्चून बनाया इस चाइना के ट्रेड से, और उन्होंने इंडस्ट्रियल मूवमेंट किया, ठीक है। और उन्होंने कम भी नहीं, इन्होंने इतना पैसा कमाया कि इन्होंने 6 जॉइंट कंपनीज खोली 10 सालों के अंडर अंडर, ठीक है। फिर बॉम्बे में दिनशॉ पेटिट और जमशेद जी नुसरवंजी टाटा, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है, ठीक है, इन्होंने भी इन्हीं सारी चीज़ों का वो लेके, चाइना का जो एक्सपोर्ट्स लेके, उन्होंने भी जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी शुरू कर दी। फिर से थुमकचंद, जो कि एक मरवारी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी फर्स्ट इंडियन जूट मिल जो है वो कॉटन में खोल दी, ठीक है। और उन्होंने चाइना के साथ भी ट्रेड करा। फिर जो जी डी बिरला थे और इनके फादर, इनके ग्रैंड फादर, ये सारे भी इतनी इंडस्ट्रीज़ पे आ गए, ठीक है। सो अब सवाल उठता है कि पैसे कहाँ से आए। सो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना का जो ट्रेड था। सेकेंड, कि जो कुछ ऐसे मर्चेंट्स थे मद्रास के, जो कि बुर्मा के साथ ट्रेड किया करते थे, ठीक है, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से भी उनके पास पैसे होते थे। और कुछ ऐसे थे जो कि डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड से इन्वॉल्व थे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इंटरनेट ट्रेड से इन्वॉल्व नहीं थी, जबकि इंडिया के अंडर अंडर या ऑपरेट करके, गुड्स वगैरह कैरी करके एक जगह से अदर, एक जगह से अदर, बैंकिंग मनी कर करके उन्होंने भी पैसे इकट्ठा कर लिए थे, ठीक है। अब हमारे पास वर्क, हमारे पास फैक्ट्रीज भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, वर्कर कहाँ से आए। वर्कर, वर्कर बहुत थे इंडिया में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था। देखो, फैक्ट्रीज को वर्कर्स चाहिए थे, ठीक है, और जैसे एक्सपेंशन बनी, डिमांड बढ़ गई। 1901 में लगभग 5,84,000 वर्कर्स थे जो कि इंडियन फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, और 1946 में ये सेम नंबर 24,36,000 में हो गया था, ठीक है। ये वर्कर कहाँ से आए, ये ज़्यादातर जो वर्कर थे ना, ये रीजनल वर्कर ही थे, मतलब आसपास की डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे। यहाँ पे देखो कुछ यंग वर्कर्स की फ़ोटो है हमारे पास बॉम्बे मिल की, तो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। सो मतलब लगभग 50% से भी ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री के, वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही रहा करते थे। और कानपुर में भी सेम ही था कि आसपास के विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट कानपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में विलेजेस में लोग, वो लोग रहा करते थे। सो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ लोग आसपास के ही होते थे, लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी किया करते थे। जैसे जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, यानी कि आज का यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ के लोग उस टाइम पे बॉम्बे में और जूट, कोलकाता के जूट मिल्स में जाके काम किया करते थे, ठीक है। उस टाइम पे जॉब्स मिलना डिफ़िकल्ट था, बिकॉज जैसा ब्रिटेन में हुआ वैसा यहाँ पे भी था, कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा थे, और ब्रिटिशर्स नहीं सॉरी वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, और मतलब इतने वर्कर्स भी हमें नहीं चाहिए थे। तो उस टाइम पे भी, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज ने क्या किया, एक जॉबर एम्प्लॉय किया, मतलब एक एक जॉबर उन्होंने एम्प्लॉय किया, जिसका काम था कि वो रिक्रूटमेंट करेगा अपने लोगों, मतलब उसका काम, वो एक ना ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर ही हुआ करता था, ठीक है। एक पुराना वर्कर रखा जाता था। ए, देखो एक हेड जॉबर है हमारे पास, मिस्टर हेड जॉबर जी। सो जो जॉबर होता था, जिनका अब हम नाम रखेंगे मिस्टर जॉबर, मिस्टर जॉबर जी का काम ये हुआ करता था कि वो अपने विलेजेस में जाए, मतलब और अपने विलेजेस में देखे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, और जिनको भी जॉब चाहिए वो उनको जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो उनके विलेजेस भी हो सकते हैं या फिर मतलब अपने, वो भी कुछ भी चलेगा, बट हमें लोग चाहिए, ठीक है। सो इस टाइम पे जो क्राइसिस था ना, वो बढ़ रहा था, तो उन्होंने ऐसे बोला कि अगर अगर उनको पैसे की कमी है तो वो हमसे मांग सकता है। बट वो इतना क्या बोलते उसको, बेईमान निकला मिस्टर जॉबर जी, आप इतने बेईमान निकले। सो मिस्टर जॉबर जी क्या करते थे कि वो अपने फेवर के लिए, अपने गिफ्ट्स के लिए उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मतलब इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, और अपना ही जो इन्होंने करना शुरू कर दिया था। मिस्टर जॉबर जी बहुत बेईमान थे, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट मिस्टर जॉबर। आगे बढ़ते हैं हम, द पिकुलैरिटीज इन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पिकुलैरिटीज होती हैं जो कि हमने चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, और वो हो जाती हैं। देखो
जैसे अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज जब सेटअप हो रही होती हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए टाइम लगता है, जैसे अभी हमने ब्रिटिश इसमें ब्रिटेन में पढ़ा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, पढ़ते हैं। देखो, जो टी और कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा था वो ना बहुत ही चीप रेट्स में हो रहा था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसमें इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट करा माइनिंग इंडिगो और जूट में, ठीक है। और ये जो ज़्यादातर प्रोडक्ट थे ये एक्सपोर्टेड हुआ, इनका मतलब एक्सपोर्टेड हुआ करता था, ये इंडिया में नहीं बिकते थे। देखो, जो इंडियन बिजनेसमैन थे जब उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी तो लेट 19th century में वो ना कंपटीशन नहीं करना चाह रहे थे मैनचेस्टर गुड्स के साथ, क्योंकि अभी वो सेटअप हो रही थी। कन्फ्यूज मत होना, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे थे जो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने सेटअप करी। और मैनचेस्टर कौन सी थी, मैंने आपको ऊपर बताया, मैनचेस्टर जो ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। सो जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो मैनचेस्टर जो कंपनीज थी, मैनचेस्टर जो इंडस्ट्रीज थी, उनसे कंपटीशन नहीं करना चाह रहे थे। मतलब जो चीज़ वो बना रहे थे वो हम नहीं बना रहे थे फॉर फिलहाल, अगर वो कपड़ा बना रहे थे तो हम लोग यार्न प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। सो क्योंकि यान की भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती थी, तो वो बनाया करते थे हम लोग, और फिर वो मतलब इंडिया में ही बन जाती थी या तो चाइना में उसको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। सो फर्स्ट डिकेड में 20th century के काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में, और स्वदेशी मूवमेंट भी आया तो मोमेंटम हमने गेन कर लिया था, ठीक है। सो जो नेशनलिस्ट थे, अब हमने मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम फॉरन जो गुड्स हैं उसको बॉयकॉट करेंगे। सो काफ़ी चीज़ें आ रही थी तो मोमेंटम हमने अच्छा पकड़ लिया था। 1906 में अब जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडियन यार्न का चाइना से, उन्होंने बोला कि अब हम उस टाइम पे क्या हो गया कि जो जापानीज मिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा चाइना चाइनीज मार्केट में आ गई। सो अब हमने बोला कि अब हम क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे। बट अभी आप बोलोगे कि आप की शिवांगी आप अभी बोल रहे थे कि ये नहीं, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, अभी आप बोलते कि हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। सो हम कॉटन प्रोड्यूस इसीलिए कर पा रहे थे बिकॉज उस टाइम पे शुरू हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो भी मैनचेस्टर कंपनीज थी वो सारा ध्यान उनका उसमें चला जाता है, और उनके जो भी इम्पोर्ट्स थे इंडिया में वो बिल्कुल बहुत ही डिक्लाइन हो जाते हैं। सो इंडियंस को एक इंडियंस को मतलब चांस मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो हमने इतना चीज़ें बनानी शुरू करी और जो है पूरा मोमेंटम हमने गेन कर लिया था, ठीक है, उस टाइम पे किन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। सो उस टाइम पे इवन जो मैनचेस्टर कंपनीज थी वो भी इंडियन कंपनी से बोल रही थी कि यार अभी तो हमें मतलब जो वॉर के लिए चाहिए, जैसे जूट बैग, क्लॉथ, मतलब आर्मी की यूनिफॉर्म्स के लिए, लेदर बूट्स, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम हम ही बना रहे थे, ठीक है, उन लोगों के लिए भी। उस टाइम में जब हमने मोमेंटम गेन करा और मैनचेस्टर ने मोमेंटम अपना गिरा दिया, उस टाइम पे वो फिर से उसको गेन नहीं कर पाए और इंडियन कंपनीज ने राज जमा दिया और इंडियन कंपनीज जो है वो अब चलने लग गई थी, ठीक है, और बहुत ही हाई रेशो में, आराम से भी नहीं, ठीक है। द फैक्ट्रीज इंडस्ट्री ग्रो स्टेडली आफ्टर द वॉर, ठीक है। देखो, लार्ज इंडस्ट्रीज थी तो स्मॉल सेगमेंट थे, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी के। सो ज़्यादातर जो थे वो मतलब जो 67% था 1991 में वो बंगाल और बॉम्बे में ही था, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन था टोटल इंडस्ट्री लेबर का जो कि रजिस्ट्रेशन फैक्ट्रीज में थी, ठीक है, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931, बाकी जो थी वो अभी भी स्मॉल वर्कर्स जो थे वो भी हाउस होल्ड यूनिट्स और इन्हीं में काम किया करते थे। सो आप बोलोगे अभी तो आपने ऊपर बोला कि हाउस होल्ड वर्क बंद करवा दिया था और इंडस्ट्रीज में था, बट हर चीज़ बिल्कुल बंद नहीं होती है और कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों का उसका जो है एसेंस रह गया था और वो बढ़ गया, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से एक्सपेंड हुआ 20th century में कि हैंडलूम जो है वो मतलब सेक्टर डिस्कस करने लगे, जो चीफ मशीन थे वो मतलब उनको हटा दिया गया और मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो बेसिकली सॉल्व हो चुकी थी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, दिस वॉज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, और फ्लैश शटल नाम की एक मशीन इंट्रोड्यूस करी, एक मैकेनिकल डिवाइस जो कि वीविंग के लिए यूज़ की जाती थी और उससे बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी चीज़ें बन जाया करती थी, ठीक है। 1941 में 35% से ज़्यादा हैंडलूम जो थे इंडिया के वो फ्लाई शटल ही बनाती थी, ठीक है, और त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, ऐसे जैसी जगहों पे 70% और 80% का इसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हुआ करता था, ठीक है। ये जो वीवर्स थे, ठीक है, ये अब फाइनर वेराइटी से भी ऊपर के कपड़े बनाते थे, ठीक है, मतलब जब हार्वेस्ट आ जाते थे या पूरी हार्वेस्ट आ जाती थी या फैमान आ जाती थी तब भी भुखमरी नहीं होती थी बिकॉज इनके पास कैश होता था बिकॉज ऑफ
मतलब पैसे होते थे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है. अब फेमाइन भी बनारस और ऐसी चीज़ों की सेल्स को जो है वो मतलब अफेक्ट नहीं करती. सो हेयर कम्स द लास्ट, तो लास्ट दिस टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मैं वर्ड ही नहीं आ रहा था, वेरी सॉरी. सो मार्केट ऑफ गुड्स. सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी चतुर बुद्धि का अपना मतलब चौका लगा दिया और उन्होंने अपना मतलब देखो आप उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने कॉपी करने शुरू करी. मतलब उन्होंने ऐसा एडवर्टीजमेंट करा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. मतलब जो चीज़ें ब्रिटेन में बन करके आती थी ना, वो इस तरह से एडवर्टाइज कर देते थे उसका कि ऐसा लगता है कि ये इंडिया में बनी होगी. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास फोटो है जो कि ग्राइप वाटर है, ठीक है, किप्स बेबी वेल या समथिंग होता है, ठीक है. सो यहाँ पे ये ब्रिटिश में बनकर आता था. और इधर ना कृष्णा जी की, लॉर्ड कृष्णा, बेबी कृष्णा की फ़ोटो ये दे दिया करते थे कि लोगों के दिमाग में तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे देवता है, ये तो हम ही ने बनाया है. मतलब बेबी प्रोडक्ट्स को उस टाइम पे ज़्यादातर जो बेबी प्रोडक्ट्स थे उनको ऐसे पॉपुलराइज करने के लिए बेबी कृष्णा की इमेज ही यूज़ किया जाता था, ठीक है. और जो टैग्स होते थे, लेबल, जैसे बायोसिस मेड इन मैनचेस्टर, इसको बड़े बड़े उसमें लिख दिया जाया करता था. कोई भी चीज़ थी, देखो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे जो कपड़े हैं, ये सब कुछ मतलब जैसे कोई भी चीज़ है ना, सो उसके ऊपर इनका ये फ़ोटो चिपका दिया करते थे कि देखो ये तो तुम्हारे राजा है, तुम्हारे देवता है, सो खरीदो. और लोग भी खरीद लिया करते थे उस टाइम पर, ठीक है. सो इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस की फ़ोटोज़ मतलब उन्होंने छापनी शुरू कर दी. जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैलेंडर्स जो कि लोग नहीं पढ़ते थे, बट उन्होंने अब देखोगे ना दुकानों में छप ऐसे लटका के रखे हैं कुछ, तो उनका भी मतलब हो जाया करता था वो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सोप का एक फ़ोटो है हमारे पास, जहाँ पे जो गॉड विष्णु है वो सनलाइट लेकर आ रहे हैं आसमानों के ऊपर से. लो विष्णु भगवान ऊपर से साबुन फेंक रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है. सो ऐसी फिगर्स वगैरह बनानी शुरू कर दी इन लोगों ने, ठीक है. फिर किंग हो गई अपने, किंग और रॉयल कमांड्स, ये सब कुछ इन्होंने बनानी शुरू कर दी. यहाँ पे देखो हमारे पास एक फ़ोटो है जिसमें इंडियन मिल्क क्लोथ का लेबल है, जहाँ पे एक गॉडेस है वो दिखा रही है कि मतलब वो ये बोल रही है कि जो इंडिया में बने हुए कपड़े हैं. यहाँ पे देखो शाहपुर मिल आपको पीछे दिख रही है, तो ये बोल रही है कि जो इंडियन में बने हुए कपड़े हैं वो आप पहनो, ठीक है. कंक्लूजन यही है कि कैसे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, कैसे फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई, कैसे इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बनी, और कैसे जो है इंडस्ट्रीज लैंडस्केप का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनी, ठीक है. सो जस्ट दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर. सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, आपको भी पढ़ने में मज़ा आया होगा आई गेस. सो यस, so the upcoming chapter is going to be the last chapter of the class 10th history, so make sure you watch that video as well. So thank you very much.